कर्नाटका का मातुर विलेज, जहाँ हर घर में एक आईटी प्रोफेशनल है, लेकिन इस पूरे गांव में कोई भी ना तो इंग्लिश बोलता है और ना ही कन्नड़ा। ये पूरा गांव बात करता है सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में। अब अगर आपको ये शॉकिंग लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आज से 100 साल पहले तक तो इंडिया के सबसे ज्यादा संस्कृत स्पीकर्स भी साउथ इंडिया में ही हुआ करते थे, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में। सो आई गेस तमिल उतना भी अनपॉपुलर नहीं है जितना हम समझते आए। बट व्हाट अबाउट तमिल? तमिल भाषा का जन्म 50,000 साल पहले ओल्ड स्टोन एज में हुआ था इस कॉन्टिनेंट पर आज इसका कोई नामो निशान तक नहीं है। वही दूसरी तरफ संस्कृत को लाखों साल पहले सत्ययुग के टाइम से बोली जाने वाली भाषा कहा जाता है। लेकिन इसका भी क्या प्रूफ है? वेल हेलो फ्लर्नर्स, दिस इज निकिता, और संस्कृत पहले आई या तमिल, ये डिबेट तो सालों से चला आ रहा है। बट डोंट वरी, आज हम सिर्फ दो बेसिक फैक्टर्स की मदद से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला राउंड होगा स्पेक्यूलेटेड एज का और दूसरा प्रॉपर एविडेंसेस का। लेकिन इस पूरे कॉम्पिटिशन में पढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि डिबेट सिर्फ तमिल और संस्कृत, यही दो लैंग्वेजेस के बीच ही क्यों हो रहा है। हाउ आर दीज लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट टू अस? सो देखो, पहले तो अगर संस्कृत की बात करें तो ऑनेस्टली हमें यह लगता है कि आज संस्कृत कौन ही बोलता होगा। बट नो, संस्कृत आज भी काफी डिसेंट लेवल पर ही सही बट पॉपुलर है। एग्जाम्पल के लिए चाइना की पॉपुलर सिंगर सा डिंगडिंग को भी ले लो। सो आई एम श्योर कि आपने संस्कृत भाषा में कई सारे मंत्र और श्लोक तो सुने ही होंगे, बट आई एम डैम श्योर कि आपने संस्कृत भाषा में पॉप सॉन्ग नहीं सुना होगा। लेकिन सा डिंगडिंग अपने ज्यादातर गाने संस्कृत में ही गाती है। इनफैक्ट आज ही नहीं, संस्कृत तो साइंटिफिक वर्ल्ड में भी काफी पॉपुलर हो रहा है, और ये मेरा नहीं, खुद नासा के एक साइंटिस्ट रिक ब्रिक्स का कहना है। सो कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस के 6th और 7th जेन कंप्यूटर्स के प्रोग्रामिंग कोड्स में संस्कृत इस्तेमाल होने वाला है, ऑल थैंक्स टू संस्कृत हाईली शॉर्ट, सिंपल एंड एक्यूरेट नेचर। एग्जाम्पल के लिए ये स्टेटमेंट ही देख लो, एन ओशन कंटेनिंग द नेक्टर ऑफ गीता। इस 7 वर्ड्स के सेंटेंस को संस्कृत में अगर बोले तो गित्तर महोदधि, इतना कहना ही काफी है। और कोडिंग में यही तो चाहिए, लॉन्ग मैसेजेस को एकदम शॉर्टेस्ट कोड्स में एनक्रिप्ट करना होता है। पर एनीवे, इंटरनेशनली चाहे संस्कृत पॉपुलर हो भी रहा हो, पर अनफॉर्चुनेटली आज इंडिया में संस्कृत स्पीकर्स की आबादी 1% से भी कम बच चुकी है, और इनमें से भी संस्कृत को अपनी मातृभाषा कहने वाले लोग सिर्फ 14,000 लोगों से भी कम हो चुके हैं। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि संस्कृत का जहाँ पर जन्म हुआ है आज उसी जगह पे उसका डिक्लाइन भी हो रहा है। पर यही अगर हम शिफ्ट हो जाए तमिल के पॉपुलैरिटी पर, तो आज दुनिया भर में टोटल 60 मिलियन लोग इस भाषा में बात करते हैं। 60 मिलियन, विच इज ह्यूज, एंड विच इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक मलेशिया, सिंगापुर एंड साउथ अफ्रीका, जहाँ भी तमिल स्पीकर्स काफी ज्यादा प्रेजेंट है। इनफैक्ट आपने कभी नहीं सोचा होगा कि गूगल भी तमिल फिनेटिक्स गूगल से निकला शब्द है। ध्यान से सुनना, अगर हम इस शब्द को ब्रेक करें तो इसका पहला पार्ट है कुवु, जिसका मतलब होता है कॉल, और दूसरा हिस्सा है किल या किलुडल, जिसका मतलब होता है सर्च, एंड विच मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि गूगल का भी तो यही काम है। अब हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, पर तमिल की नेशनल पॉपुलैरिटी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जैसे संस्कृत की पॉपुलैरिटी के पीछे उसका मेन रीजन था उसका शॉर्ट एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, वैसे ही तमिल की पॉपुलैरिटी का कारण है उसकी सालों से मेंटेन्ड कंसिस्टेंसी। सो देखो, यूजुअली कोई भी लैंग्वेज होती है ना, वो समय के साथ इवॉल्व होती जाती है, इतनी ज्यादा कि आज के टाइम के जो उसके नेटिव स्पीकर्स भी होंगे ना, वो उस लैंग्वेज के ऑथेंटिक वर्जन को समझ भी नहीं पाएंगे। मान लो हम किसी भी एवरेज इंग्लिश स्पीकर को अगर शेक्सपियर की मैकबेथ पढ़ने दे दे तो शायद ही उसे वो लैंग्वेज क्लियरली समझ आएगी, राइट? पर ऐसा तमिल के साथ नहीं है, क्योंकि तमिल इकलौती ऐसी भाषा है जिसकी ओरिजिनल टेक्स्ट आज भी एक तमिलियन इजिली पढ़ सकता है, और यही रीजन है कि तमिल को आज भी दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। पर इसमें भी एक बात बताऊं, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तमिल को एक्चुअली तमिल कहते ही नहीं है, इस वर्ड का करेक्ट प्रोनंसिएशन तमिर्द है। एनीवे, अगर स्पीकर्स के हिसाब से पॉपुलैरिटी को जज करें तो तमिल संस्कृत से काफी आगे, पर क्या इससे ओल्डेस्ट लैंग्वेज की डिबेट सॉल्व हो जाती है? ऑफ कोर्स नॉट। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जाना होगा, बेसिकली इन दोनों के ओरिजिन की स्टोरी पर। बट इससे पहले मुझे ये क्लियर करना है कि ये दोनों भी लैंग्वेजेस के जो ओरिजिन की स्टोरीज है ना, उसके ऊपर कई सारे थियोरीज बन चुकी है, जिसमें कुछ के रिकॉर्ड्स है और कुछ के नहीं है। लेकिन फिलहाल हम अपने फर्स्ट राउंड में सिर्फ प्रॉपर रिटन एविडेंस की बात करेंगे, मतलब कि उस भाषा के कोई स्क्रिप्चर्स या भी कोई इंस्क्रिप्शंस वगैरह। अब अगर स्टार्ट करें तमिल से, तो इसका सबसे प्राचीन रिटन एविडेंस है संगम एरा के टाइम की लिखी हुई किताब तोलकापियम, जो 3rd सेंचुरी में लिखी गई थी, और कुछ साल पहले तक तो तमिल को ऑफिशियली 2300 साल पुराना ही कहते थे। पर हाल ही में आदिचनल्लूर में कुछ अर्न्स मिले थे, यानी वो मटके जिनमें अस्थियां रखी जाती थी। फिर जब कार्बन डेटिंग की मदद से इन अस्थियों की उम्र निकाली गई, तब वो कुछ 3000 साल निकली।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन अर्न्स में कुछ छोटे छोटे तमिल इंस्क्रिप्शंस भी थे, जो ये साबित करता है कि तमिल लिखना तोलकप्पियम से भी पहले शुरू हो चुका था। यानी अप्रोक्सीमेटली तमिल प्योरली बेस्ड ऑन अब तक का मिला रिटन एविडेंस आज से 3000 साल ओल्ड है। नाउ कमिंग टू संस्कृत, तो संस्कृत को सबसे पहले ऋग्वेदा में लिखा गया था, और ऋग्वेदा एक्चुअली एक रिलीजियस भजन्स का कलेक्शन था, जो भजन्स इनिशियली सिर्फ वर्बली पास ऑन किए जाते थे, पर फिर ऋग्वेदा में फाइनली इन्हें लिखा गया, और वो कब हुआ? 3500 साल पहले। लेकिन एक मिनट, इस पूरे राउंड में ना एक प्रॉब्लम है। काफी लोग जो दोनों भी लैंग्वेजेस को लेकर काफी पैशनेट होते हैं, उनका कहना होता है सिर्फ रिटन एविडेंस के बेसिस पे ये फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन सी लैंग्वेज ओल्डेस्ट है, क्योंकि उनके हिसाब से ये भाषाएं और पुरानी हो सकती है जब इनको लिखने का कोई जरिया इजाद नहीं हुआ था, यानी बेसिकली जब वो भाषाएं सिर्फ बोली जाती थी। सो अब इसके लिए हमें रिलाय करना होगा कुछ स्टोरीज पे, विच इज आर एग्जैक्टली राउंड नंबर 2, स्पेक्युलेटेड एज। अब इसमें सबसे पहले आता है लॉस्ट कुमारी कन्नम आइलैंड, जिसके एक छोटे से हिस्से पर आज तमिलनाडु स्थित है। सो ऐसा माना जाता है कि 50,000 साल पहले मेडागास्कर, कन्याकुमारी और ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करने वाला ऐसा एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो 18,000 साल पहले नेचुरली डूब गया। पर ये कॉन्टिनेंट एक्चुअली तमिल स्पीकर से भरा हुआ था, और आज इसका सिर्फ एक ही हिस्सा बचा है, विच यू ऑलरेडी नो इज तमिलनाडु। अब इसी थ्योरी के बेसिस पर तमिलनाडु के डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी नातना कासिनाथन क्लेम करते हैं कि तमिलियंस को तमिल भाषा का जो ज्ञान था वो 10,000 साल पहले से ही हुआ करता था, बस उसका जो डॉक्यूमेंटेशन था वो काफी लेट हुआ। सो इस थ्योरी के हिसाब से तमिल का स्पेक्युलेटेड एज बन जाता है 10,000 ईयर्स ओल्ड। अब इसी तरह संस्कृत से रिलेटेड भी काफी सारी थ्योरीज बनी है, जिनमें हरप्पन थ्योरी तो आपने सुनी ही होगी, जो संस्कृत को सीधा हरप्पा के स्क्रिप्ट से रिलेट करती है, और अगर हम इस थ्योरी को माने भी तो संस्कृत इजीली कुछ 4,000 साल पुरानी हो जाएगी। पर एक और थ्योरी है जो संस्कृत को यूनिवर्स की शुरुआत से लिंक करती है। सो हिंदू स्क्रिप्चर्स और स्कॉलर्स ये क्लेम करते हैं कि ऋग्वेदा में संस्कृत को एक्चुअली देववाणी बताया गया, मतलब गॉड्स ओन लैंग्वेज। और तो और संस्कृत का जन्म खुद हिंदू गॉड ब्रह्मा ने किया था, फिर वहां से संस्कृत का ज्ञान ऋषियों के पास आया, जिन्होंने इसे आगे अपने जो डिसाइपल्स थे उन्हें पास ऑन किया। अब इस थ्योरी के हिसाब से तो संस्कृत कई युग पुरानी हो जाएगी, और इसीलिए इसका एग्जैक्ट डेट तो बताना दूर की बात है, उसका स्पेक्युलेटेड डेट निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब हम बात कर रहे हैं युगों की, इट्स अ डिफरेंस ऑफ लैक्स ऑफ इयर्स। लेकिन होल्ड ऑन, इतना तो हम समझते हैं कि इन दोनों भी थ्योरीज को प्रूव करने का कोई एविडेंस नहीं है, एंड ऑनेस्टली जब तक ये विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज की डिबेट चलती रहेगी, नए नए थ्योरीज आते रहेंगे, और इसीलिए जब तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, इस केस को रेस्ट कर सकता है एक और नया थ्योरी। देखो, कहीं संस्कृत आगे है तो कहीं तमिल, और इसीलिए ये एक ऐसी डिबेट है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ग्रीक हो, लैटिन हो, इंग्लिश या फिर कोरियन, इन सभी को कुछ स्कॉलर्स संस्कृत इन्फ्लुएंस बोलते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं तमिल लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड। कोरियन लैंग्वेज को ही ले लो, एक तरफ तमिल्स का मानना है कि अम्मा, अप्पा जैसे कई सारे वर्ड्स जो कोरिया में भी बोले जाते हैं वो एक्चुअली तमिल भाषा से लिए गए। वहीं ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जिनको संस्कृत भाषा से ओरिजिनेटेड कहा जाता है, जैसे गणेशिया फ्रॉम गणेशा एंड गरम से गलम। इनफैक्ट कोरियन लैंग्वेज तो छोड़ो, ये ओवरलैपिंग का जो ट्रेंड है आपको खुद संस्कृत और तमिल में ही आपस में ही मिल जाएगा। एंड हो सकता है कि यही रीजन है कि डॉक्टर भैरप्पा नाम के एक एकेडमिशियन ये क्लेम करते हैं कि चारों मेजर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के कुछ कुछ रूट्स संस्कृत में भी हैं, इंक्लूडिंग 15-20% ऑफ तमिल लैंग्वेज। तो इसमें अब एग्जैक्टली ये बता पाना कि कौन सी लैंग्वेज ने किस लैंग्वेज को ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, अनलेस ऑफ कोर्स उन स्पेक्युलेटेड थ्योरीज जिनकी हमने बात किया उनको प्रूव करने के लिए कोई ठोस सबूत मिल जाए। लेकिन देखो, इस पे मेरा तो मानना ये है कि भारत जो देश काफी टाइम से काफी सारे इन्वेडर्स से कॉलोनाइज होते आ रहा है, तो आज जब हम फाइनली आजाद हुए हैं, हमें मेंटली अपने आप को कॉलोनाइज होने से बचाना है। क्योंकि मुझे बताओ कि ये थ्योरीज बनाते कौन? आर्यन थ्योरी को ही ले लो, इसे बनाया ही गया था ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने के लिए। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम इसे सही मानते रहे, और नॉर्थ इंडियंस को आर्यंस मानते रहे और साउथ इंडियंस को द्रविड़ियंस मानते रहे। लेकिन आज हमें सबूत मिल रहा है कि शायद ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। अब इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपको उसको देखना है तो यहाँ पर आप राइट पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। लेकिन आपके हिसाब से क्या आज का ये संस्कृत और तमिल के बीच का डिबेट हम इंडियंस को डिवाइड कर रहा है या यूनाइट कर रहा है? आपके जो भी ओपिनियंस है नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने फैमिली में शेयर करना। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय।